सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का लेसन कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये मेरा एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर आधारित आज का ये लेसन का नाम है कार्बन एवं उसके योग। वैसे विद्यार्थियों, ये 4 नंबर का लेसन है और 2-2 नंबर के यहां 2 क्वेश्चन आते हैं। वो स्टूडेंट बड़े इजी वे में इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बाकी तो आडिया से जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आप भी जानते हैं साथियों कि पूरा कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। तो यदि आपको फुल कॉन्फिडेंस और विषय के प्रति आपको अपनी रुचि बनानी है तो ये मेरा एक बेसिक से आधारित ये लेसन में स्टार्ट करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो देखिए, कार्बन एवं उसके यौगिक आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कार्बन का सिंबल सी होता है। बट इसके साथ साथ मैं आपको 3 सिंबल और बता रहा हूं। ये चारों सिंबल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, आपको इनका परमाणु क्रमांक प्लस इनकी संयोजकता, इनके बारे में अगर जानकारी है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो क्लियर हो गया। ठीक है, होती जी लेसन है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 और नाइट्रोजन की 3 होती है। मैं बोल रहा हूं यहां पर ये संयोजकता, आपको यहां इस लेसन से संबंधित कोई संयोजकता की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा। आपको अपने दिमाग में सिर्फ इतना समझ ले यहां पर कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जहां भी मैं संयोजकता की बात करता हूं, जब ये किसी भी यौगिक के साथ में ये परमाणु लिखे जाते हैं तो इन परमाणुओं के साथ में हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन के साथ में 1 होता है, ऑक्सीजन के साथ में 2 होता है और नाइट्रोजन के साथ में 3 होता है। तो जब हम उसका स्ट्रक्चर खींचते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना सूत्र उसका जब लिखते हैं, तो हमेशा ये बात फिक्स रखना आप अपने दिमाग में कि कार्बन जहां भी लिखा हुआ मिले आपको तो उसके 4 संयोजकता होती है, अर्थात 4 बॉन्ड होते हैं। देखिए किस प्रकार से, यदि मान लो मैंने आपको सूत्र लिख दिया, यहां CH2, मैंने यहां लिख दिया CH3 और मैंने यहां सूत्र लिख दिया CH4। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए क्या तीनों सूत्र सही है या तीनों में से कोई एक सूत्र सही है। तो यही चीज मैं आपको यहां समझाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से समझिए कि कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो कार्बन के साथ में 1 हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, 1 हाइड्रोजन ये जोड़ दिया। ठीक, मैंने यहां पर हाइड्रोजन के साथ में कितना बॉन्ड लिखा, 1। इस हाइड्रोजन के साथ में कितना लिखा, 1। ठीक है, कभी अगर आपने गलती से यहां 2 कर दिया तो बताओ ये बात सही होगी या गलत होगी। गलत होगी। क्यों होगी, आप देखो यहां कार्बन के साथ में कितने बॉन्ड होते हैं, 1 होता है, बिल्कुल फिक्स है। तो यहां पर 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे थे, मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब कार्बन की यहां पर संयोजकता देखो कितनी है। संयोजकता का मतलब ये बॉन्ड, संयोजकता का निर्धारण ये बॉन्ड करते हैं। तो यहां पर कार्बन के साथ में कितने बॉन्ड आ रहे हैं, कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 2, 1, 2 होते कितने हैं, 4। तो बताओ सूत्र सही हुआ या गलत हुआ, गलत। इसी प्रकार से कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन है, यहां पर 3, 1, 2, 3 हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड आता है, 1 आ रहा है, यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर 1 आ रहा है। कार्बन के कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से आप बॉन्ड काउंट कर लिया करो। तो 1, 2, 3 होते कितने, 4, ये भी गलत। ठीक है, अब यहां देखिए कार्बन के साथ में यहां कितने हाइड्रोजन, 4, 1, 2, 3, 4 आप देख लो। प्रत्येक परमाणु यहां पर फॉलो कर रहा है अपने नियम का
कि हाइड्रोजन के साथ में एक, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक। अब कार्बन के साथ में देख लो, टोटल काउंट कर लो, एक दो तीन चार, तो कार्बन के साथ में कितने बॉन्ड हो गए, चार। इट मीन्स हमारा ये सूत्र सही है, ये दोनों गलत हो गया। बस समझ में आ रही है, और समझिए आगे देखो। मैंने यहां पर लिख दिया NH3, क्या लिखा NH3। अब आप खुद क्लियर कर सकते हैं कि यह सूत्र सही है या गलत है, या फिर NH4 या फिर NH2, कौन सा सूत्र सही हो आप स्वयं जज कर सकते हैं इस बात का। मैंने बताया कि नाइट्रोजन के साथ में कितने बॉन्ड आते हैं, तीन। याद करना बहुत ईजी है, देखो एक दो तीन, हो गए तीन बॉन्ड, बन गया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के साथ कितने हैं, तीन, एक दो तीन, ठीक। नाइट्रोजन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तीन, एक दो तीन। क्लियर है था? अब नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी बताई मैंने, तीन, अर्थात नाइट्रोजन के साथ में कितने बॉन्ड आते हैं, तीन आते हैं, एक दो तीन, ये बात तो सही है। हाइड्रोजन के साथ में कितने आते हैं, एक, यहां भी एक आ रहा है, एक एक, प्रत्येक के साथ काउंट करते हैं हम ये चीजें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये सूत्र सही हो गया, बाकी ये सूत्र ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जैसे मान लो मैं इसको लिखूं यहां पर, यहां मैं इसको लिखूंगा तो एक दो तीन चार, कितने हाइड्रोजन आ गए, चार हो गए। अब बताओ ये सही है गलत है, गलत है क्यों, क्योंकि मैं आपसे कह चुका, ये प्रोमिस कर चुका कि नाइट्रोजन की संयोजकता अर्थात नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड आते हैं, तीन, यहां कितने हो रहे हैं, चार, गलत। अरे बस समझ में, और देखो आगे, HCN, ठीक। वैसे आप जानते होंगे H का मतलब हाइड्रोजन, CN का मतलब साइनाइड, कुछ है ये ग्रुप, मैं आपको अभी लिखा दूंगा, ठीक है ना, इनको आप हमेशा याद कर लेना, क्योंकि साइंस कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए, तो हाइड्रोजन साइनाइड है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि बताओ टोटल बंद कितने हैं यहां पर, ठीक। तो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि इसे रटेंगे, कोई जरूरी है क्या कि ये एग्जामिनेशन में आ जाएगा, एनी वन क्वेश्चन कहीं से उठकर भी आ जाए, साथियों आपको हमेशा उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन में होंगे, अगर आपने मेरा शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देख लिया और बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, आपकी सब्जेक्ट के प्रति एक रुचि बनाइए। ऑटोमेटिक साइंस दुनिया का सबसे बहुत ही सीधा सब्जेक्ट लगेगा। हाइड्रोजन के साथ में कितने बॉन्ड आते हैं, एक, जानते हैं आप। कार्बन के साथ में कितने आते हैं, चार, जानते हैं। नाइट्रोजन के साथ में कितने आते हैं, तीन। आप इस बात का फॉलो करो, आप लिखो सूत्र, कार्बन लिख दिया, ठीक है, कार्बन इस लेसन का, क्योंकि कार्बन है उसके योगी, कार्बन क्या है इस लेसन का, सुपर हीरो है, सुपर हीरो को लिख दिया आपने, क्या लिखा, नाइट्रोजन। कार्बन के साथ में नाइट्रोजन जुड़ रहा है, कितने बॉन्ड के साथ जुड़ेगा नाइट्रोजन बताओ, एक दो तीन, एक दो तीन, ये लीजिए। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड के साथ में जुड़ेगा, एक, ये लीजिए। अब आप प्रत्येक के साथ में काउंट कर लो, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये ऐसा नहीं एक के साथ फॉलो हो गया दूसरे के साथ नहीं होगा, प्रत्येक के साथ फॉलो होना चाहिए तभी वो सूत्र सही होगा, अन्यथा गलत होगा। कार्बन के साथ में कितने आ गए, एक दो तीन चार, आपको बॉन्ड गिनने हैं तो ऐसा नहीं आगे आगे गिन रहे, पीछे पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, अर्थात चारों तरफ से, एक दो तीन चार, सही बात है। नाइट्रोजन के साथ कितना है, तीन, हाइड्रोजन के साथ कितना है, ये लीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि कितने बंद हैं, और हमेशा ध्यान रखना कार्बन के साथ में जब मैं बंधों की चर्चा करूंगा तो हमेशा मैं चर्चा करूंगा सहसंयोजी,
याद करो 9th क्लास को सहसंयोजी बंध के बारे में मैंने आपको बताया था कि सहसंयोजी बंध में हमेशा अधात्विक परमाणु भाग लेते हैं, अर्थात यहां पर इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, न कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब स्थानांतरण होता है। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा धातु से अधातु की ओर, वहां पर आयनिक बंध बनते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है, साझा होता है, वहां पर सहसंयोजी बंध बनते हैं। तो कार्बन के संदर्भ में मैं जिन यौगिकों की चर्चा करूंगा वो कौन से यौगिक होंगे? सहसंयोजी यौगिक होंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं ये कि यहां पर कि HCN हाइड्रोजन साइनाइड में कुल कितने सहसंयोजी बंध हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों आप बहुत इजी वे में इसका आंसर दे सकते हैं, 1 2 3 4। सर इसमें 4 सहसंयोजी बंध हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, CH4, मैं आपसे पूछूंगा कि CH4 अलग ही नाम क्या है इसका। अगले वीडियो में हम बिल्कुल ये सारी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको जितना बता रहा हूं सिर्फ आप उतना लर्न करते हो। कार्बन के साथ कितने बॉन्ड होते हैं? 4। 1 2 3 4। हाइड्रोजन के साथ में कितना? 1। बताओ हमारा संरचना सूत्र सही हुआ गलत हुआ? बिल्कुल सही हुआ। क्यों हुआ? कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4, प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ में 1 होता है, 1 1 1 1, सही हुआ। बताओ कितने सहसंयोजी बंध हुए CH4 में? 1 2 3 4, क्लियर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसका प्रैक्टिस करना, कोशिश करना, बहुत इजी है। CO2 की संरचना आपको लिखनी है और इसमें आपको सहसंयोजी बंधों की संख्या बतानी है कि कितने सहसंयोजी बंध हैं, ठीक है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कार्बन के साथ में 4, ऑक्सीजन के साथ में 2, नाइट्रोजन के साथ में 3 और हाइड्रोजन के साथ में 1 बॉन्ड आते हैं। उन सभी का फॉलो करते हुए आप इसकी संरचना बनाएंगे और इसमें मुझे बताएंगे सहसंयोजी बंध कितने हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल एकदम हो जाइए तैयार और बन जाइए साइंस के हीरो। मेरा लक्ष्य आपको 0 से हीरो बनाना है। जय हिंद।